सागर में एक पुलिसकर्मी के उत्पात मचाने की खबर सामने आई है, जहां एक पुलिसकर्मी ने शराब के नशे में तीन साथियों के साथ मिलकर ग्रामीणों के साथ मारपीट की और पैसे भी छीन लिए। सभी ग्रामीण इसकी शिकायत लेकर थाने पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने पुलिसकर्मी पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जैसी नगर थाना क्षेत्र के ग्राम रामपुरा में पानी की टंकी निर्माण का कार्य किया जा रहा है, जहां मजदूर दोपहर के समय निर्माण कार्य कर रहे थे, तभी जैसी नगर थाने में पदस्थ आरक्षक रघुराज धुर्वे अपने तीन अन्य साथियों के साथ शराब के नशे में पहुंचा और किसी चैन सिंह नाम के व्यक्ति के बारे में पूछने लगा। जब मजदूरों ने कहा कि वह किसी चैन सिंह को नहीं जानते, तो उस पुलिसकर्मी ने मजदूरों के साथ जमकर मारपीट की। यहां तक कि मजदूरों का कहना है कि आरक्षक ने उनके पास से 1200 रुपए भी छीन लिए। हमने फैंसर जाई गई थी, गाड़ी गई थी कहीं से, बिल्कुल चार डोगा रामपुरा में पूरे आदमी आ गए, मैं मोड़ी मोड़ो की जे के मैं तुम चैन सिंह से बताओ। हमने कि सर हम कहाँ पर रहे, हमें नहीं है मालूम, हमें हम क्या, हमने कि हम तो दवाई करके जा रहे, फिर भी बाई चारों साथ पूरी आ गई एक तरफ से, तब उन्होंने हमें बचाओ, पानी लिया मुँह में पानी डाल, नब्बे तो जान से खत्म कर दू, उसने जाके लोगे चैन सिंह को पता है, हमने की तुम्हें कहाँ पर है सर, हमें नहीं है मालूम, तो तुमने रामपुरा के आदमी के लगे वो कहा जाने के चारों, हमें हकीकत सर आज तक मालूम नहीं है कहाँ चैन सिंह है, तो पहचानते नहीं है। फिर सर देखो दुकान गिर पा दूंगी हमें जान से मार के फेंक दो। तो आपका, मेरा नाम निकेश यादव है। क्या घटनाक्रम हुआ और आप यहाँ पर क्या काम करते थे? मैं टंकी और पाइपलाइन देखता हूँ इधर जैसी नगर बिलहरा सुरती तक मेरा एरिया है काम देखने का, और मेरा पाठा में नहीं रामपुरा गाँव में मेरा टंकी का काम चल रहा था, तो हम लोग गए लेबरों को बता उतर आए थे कैसे काम करना है, तो ये लोग अपना काम कर रहे थे और दो लोग बाइक से गए, नहीं चार लोग दो बाइक से गए वहाँ पे। कौन कौन था उसमें, पहचानते हैं? नहीं पहचान तो लेबर पहचान लेंगे, लेबर देखे हैं। उसमें कौन था, साधारण व्यक्ति थे को कोई? तीन साधारण थे, एक वर्दी से था। अच्छा, पुलिस से थे? हाँ पुलिस से थे। और लेबरों को वो झगड़ा वगड़ा मार धार कर रहे थे, पैसा वैसा भी लिए हैं। इसके बाद पुलिसकर्मी और उसके अन्य तीन साथियों ने एक स्थानीय डॉक्टर जो कि रामपुरा गांव में किसी महिला का इलाज करने जा रहे थे उनको भी रोका और चैन सिंह मामले में पूछताछ के नाम पर जमकर मारपीट की। इसी दौरान गांव की महिलाएं और अन्य ग्रामीण आ गए, तब जाकर पुलिसकर्मी और तीन अन्य साथी वहां से भाग निकले। इसके बाद महिलाओं सहित ग्रामीण और मजदूर जैसी नगर पुलिस थाना पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस वालों पर पूछताछ के नाम पर मारपीट करने और रुपए छीनने के गंभीर आरोप लगाए हैं। गौरतलब है कि जैसी नगर थाना क्षेत्र में 4 मई को गैंगरेप का मामला सामने आया था, जिसमें मुख्य आरोपी चैन सिंह अब तक फरार है, जिसको पुलिस नहीं पकड़ पा रही है। इस तरीके का आया है मामला सामने, एक मामला आया है जो जमुनिया रामपुरा गांव है, वहां पे जो एक हमारा आरक्षक है रघुराज वो है, यहाँ का एक प्रकरण है जिसमें एक आरोपी चैन सिंह फरार है, उसी मामले में वो अपने दो अन्य साथियों के साथ में पूछताछ के लिए गया हुआ था। उसको कुछ ऐसी शंका हुई थी कि जो डॉक्टर हैं वो चैन सिंह का जो है इलाज करते हैं, इसी कारण से वो उनसे पूछने के लिए गया हुआ था, तो उसमें डॉक्टर से बहस हुई और उसके साथ में डॉक्टर के साथ में इन लोगों ने अभद्रता की, और उसके बाद में जो है वहाँ की जो भीड़ भाड़ इकट्ठी हो गई, उन लोगों ने भी इनके साथ में जो हमारा आरक्षक है उसके साथ में भी कुछ मारपीट वगैरह हुई है। बाकी दोनों पक्षों की जो है मेडिकल करा दिया गया है और वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। What starts here changes the world of opportunities, the world of inspirations. We are LNCT Group, where every beginning changes the world, providing the best results, highest packages, and delivering the best manpower to the biggest companies in the world. LNCT Group, choose the best to be the best. For admissions, call 7440-777-111. Rabindranath Tagore University, the pioneers in skill development. With focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।